देखिए इस तरह की, जैसे हमारी रात हुई और रात होने के बाद हमारा जो पैनल पे थी ये सारी जो लाइट है वो आना बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा हमारा बल्ब जलने लगेगा। इसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली इस तरह के सोलर पैनल की, और इसको बनाना बड़ा आसान है। बस सिंपली 3 से 4 आइटम की जरूरत पड़ने वाली जो आपको मार्केट में आसानी से कबाड़े की दुकान में मिल जाएंगे। इसको तरफ देते साइड से आप कोई भी सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर साथ में इस तरह की पीसीबी की आप चाहे किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर या फिर किसी भी कबाड़े की दुकान पर इस तरह की एक बोला इन्वर्टर की पीसीबी दे दो हमें, कहीं भी आप आसानी से इस तरह की इन्वर्टर की पीसीबी आराम से ले सकते हैं। तो हमें सिंपली इसकी सिर्फ रिले की जरूरत पड़ने वाली, आप चाहें तो नई भी रिले ले सकते हैं, ये 60 से 70 रुपये की आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप उसको कबाड़े में ले जाओगे तो आपको ये फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि उससे बोला भाई हमें सिर्फ ये इसकी रिले निकालना और बाकी आपकी वापस कर देगा, आप इसको आसानी से फ्री में ला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें 4 डाइवोर्ट की जरूरत पड़ने वाली, जो इस तरह के 4008 इसका मॉडल होता है, जो हमारे बड़े वाले डाइवोर्ट आते हैं उनसे छोटा वाला होता है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 डाइवोर्ट लेना, 4 डाइवोर्ट की आसानी से हमारा जो प्रोजेक्ट है काफी अच्छी तरीके से चलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ले लेना अपनी इस पीसीबी को, जो मैंने लिया था इसकी ये रिले होती है, तो सबसे पहले इस रिले को निकाल लेना। यहाँ पे देखिए ये रिले के पॉइंट होते हैं, तो चलिए मैं फटाफट से रिले को यहाँ पे निकाल लेता हूँ और आपको भी इसी तरह से इस रिले को निकाल लेना है। तो ये देखिए फिलहाल मैंने इस तरीके से अपने रिले को बाहर निकाल दिया, अभी हमारे रिले का सिर्फ काम आने वाला है। और इस तरह की जो पीसीबी इसको हम साइड से फेंक देते हैं, और जिस भाई की हमने पीसीबी ली थी उस भाई को हमें दोबारा से वापसी कर देना है कबाड़े वाले को। तो चलिए हम इस रिले को चेक करने के लिए इस तरह के मीटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मीटर को फिलहाल हमने रख दिया साइड से। और ये होते हैं हमारे जो छोटे वाले, आपको साइड से 2 पॉइंट दिखते होंगे, ये दोनों देखिए ये होते हैं हमारे मेन पॉइंट। तो इसको जिसे हमने यहाँ पर लगाया, इन पॉइंट के जरिए से हमें पता लग जाएगा हमारे रिले ठीक है ख़राब है। देखिए हमारी जो मीटर की बजर थी वो पूरी तरीके से बज रही है, इसका मतलब हमारे रिले जो पूरी तरीके से ठीक है। तो चलिए हमारे रिले को भी कंफर्म हो गया कि हमारे रिले ठीक है, चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फिलहाल हमने अपने डाइवोटो को यहाँ पे ले लिया है। अब सिंपली डाइवोटो करना क्या होता है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ये जो आपको दिखते होंगे सफ़ेद वाले निशान, ये देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हमारे डाइवोटो में सफ़ेद वाले निशान होते हैं, ये देखिए ये वाली साइड में सफ़ेद वाले निशान है, एक तरफ कोई निशान नहीं है। तो हमें एक तरफ दोनों सफ़ेद वाले निशानों को इस तरह से पैनल वाला एक कनेक्शन बना लेना है, ये देखिए जैसे हम लोग उसको ब्रिज बोलते हैं इस तरीके से बना लेना है। ये देखिए ये हमारे दोनों सफ़ेद वाले निशान एक तरफ कर दिए, आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये देखिए आपको दिखते होंगे ये हमने दोनों ना जो सफ़ेद वाले निशान थे वो एक तरफ कर दिए। और उसके बाद यहाँ पे हमें 2 डाइवोट बचे, इनको भी ले लेना है, और इनको जो हमारे काले वाले निशान है, ये देखिए सफ़ेद वाले मेरे इस वाले साइड से और काले वाले पल्ली वाली साइड से, तो हमें करना क्या है कि इन काली वाली साइडों को आराम से इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। तो ये देखिए मैं फिलहाल यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा देता हूँ, ये देखिए अब आपको दिखता होगा अच्छी तरीके से कि जो मैंने काले वाले निशान थे वो एक तरफ कर दिए, और इस वाले में आप देख सकते हो ये जो सफ़ेद वाले निशान थे वो एक तरफ कर दिए। चलिए मैं इस तरीके से लगा के ये देखिए आपको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ, पूरी स्टेप बाई स्टेप आप देखते रहे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर मोड़ देना है, ये देखिए अब आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसे अपने ब्रिज को बनाकर रेडी कर दिया है। चलिए अभी इसमें टाकों को लगाते हैं, यानी सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आगे का जो प्रोसेसर है वो काम करना है, और बड़ा आसान है इसको आप लास्ट तक देखते रहे, छोटा सा वीडियो और अच्छी तरीके से आप इसको बना सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कोई भी मैकेनिक की जरूरत नहीं है, कोई भी करना काम नहीं है, इसको आप आसानी से बना सकते हो। चलिए इसको फटाफट से मैं वायरिंग वगैरह करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए अब बारी आती है इसकी वायरिंग करने की, तो एक बार वायरिंग करने से पहले मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि इसकी जो वायरिंग किस तरीके से करना है। ये देखिए अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो निशान वाले निशान है वो एक तरफ है, जो बिना निशान वाले हैं वो एक तरफ है। तो हमें सिंपली करना क्या है कि जहाँ पे हमारे दोनों सफ़ेद वाले निशान हैं, उन दोनों सफ़ेद वाले निशान को यहाँ पे जो देखिए ये जो पास पास में रिले के हमारे जो टांगे दिख रही हैं, यानी जिसमें टाँगे लगाना है, उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से एक भी टांग में सोल्डरिंग कर देना है, जिसमें आपकी मर्जी हो आप उसमें सोल्डरिंग कर सकते हो आसानी से। और दूसरी वाली टांग को इस तरीके से घुमा के ये देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाई स्टेप पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, आपको भी सेम उसी तरह से करना है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाइए। देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए ये जो हमारे नीचे वाली टांग है, इसको हमें लगा देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से रिले के साथ में। ये देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रिले के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको जो था पहले से सोल्डरिंग कर लिया। ये देखिए ये इस तरीके से हमारी जो ऊपर वाली टांगें बची हैं, और ये हमने नीचे वाली टांगों को यहाँ पे रिले में अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दिया। अब आप देख सकते हो अभी हमारे 3 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, यानी कि 12 पॉइंट बचे हैं, इन 12 पॉइंट को किस तरीके से वायरिंग करना है चलिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ सिंपल स्टेप बाय स्टेप, अब इसमें हमें कहाँ कहाँ टाँगें चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एक ये वाला जो पॉइंट दिख रहे हैं आप कोने वाला, और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंटों में करना क्या कि सिंपली इन दोनों पॉइंटों में इस तरह की एक वायर को जोड़ लेना है। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे वायर का टुकड़ा ले लिया है, आपको भी सिंपली इसी तरह का एक वायर का टुकड़ा लेके और सीधा इसमें यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए मैं जैसे ही आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इन दोनों पॉइंटों में, ये वाला पॉइंट हमें छोड़ देना है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो चलिए इन दोनों पॉइंटों को इसमें लगा देते हैं, और साथ में फिर एक और तार का टुकड़ा लेना है, ये देखिए इस तरह वाला, और ये हमारे जो दो डाइवोर्ट के यहाँ पे हमने टांगे छोड़ रखी है, यानी कि यहाँ पे लेग छोड़ रखे हैं, इन दोनों में यहाँ पे इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। तो चलिए किस तरह का सोल्डरिंग करना है, सोल्डरिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से फाइनली सोल्डरिंग की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से इसमें सोल्डरिंग कर दी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों वायर को जो हमारे यहाँ पे डाइवोर्ट के 4 तार थे, 2 हमने लगा दिए रिले में
और दो को लगा दिया यहाँ पे ऊपर। तो देखिए हमारा डाइबोर्ड के तार दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हमारा रिले के पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा ये जो आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा छोड़ो, ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फिलहाल इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। और ये देखिए हमारे जो मेन तार है वो यहाँ पे निकलने वाले हैं चार तार। ये देखिए चलिए मैं आपको अच्छी तरीके से एक बार कैमरे में यहाँ पे अच्छी तरीके दिखा देता हूँ। चलिए अब इसको हम एक डिब्बे के अंदर पैक करते हैं और इसमें एक LED वगैरह लगाते हैं जिससे पता चल सके कि हमारा इस टाइम रिले ऑन है या ऑफ है। तो देखिए इस तरह का प्रोजेक्ट हमारा पानी वगैरह में ख़राब ना हो उसके लिए इस तरह का हम डिब्बे का इस्तेमाल करने वाले। इस डिब्बे को उसके अंदर क्या होगा इस तरीके से डाल के और यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको बंद कर देंगे जिससे क्या होगा अगर पानी वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगा। चलिए इसमें हम एक छोटी सी LED का जुगाड़ करते हैं ताकि यार हमें पता लग सके कि हमारे ऊपर से जो पावर सप्लाई है वो आ रही है नहीं आ रही। चलिए इसमें एक LED का जुगाड़ कर देते हैं, उसके बाद आपको फिर कम्प्लीटली हमारा जो प्रोजेक्ट था बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट काम करता है। दोस्तों यहाँ पे LED लगाने के लिए देखिए एक इस तरह की मैं छोटी सी LED का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि यार यहाँ पे 3 वोल्ट है, लेकिन इसको हमारा ये प्रोजेक्ट है ये 220 वोल्ट प्लस एंड 12 वोल्ट है, तो जिससे यार हमारी LED नहीं जल पाएगी। तो उसको जलाने के लिए यहाँ पे मैं इस तरह के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका ओमोम है 3K3, यानी कि आप इसको मार्केट में अगर 3K3 नाम से मांगोगे तो ये 1 रुपये की आसानी से मिल जाएगी। चलिए इन दोनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे इसको आसानी से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल हमारा जो यार जुगाड़ था वो बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ये है हमारी LED जिसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा रखा है। ये देखिए आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे देखती होगी LED है, और ये हमारे 2 वायर यहाँ पे सोलर वाले हैं और ये वायर हमारे जो हमारे इलेक्ट्रिशियन 212 वोल्ट में लगाने वाले हैं वो वाले तार हैं। तो हमें सिंपली करना क्या, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे पहचान कर देता हूँ। इस पर हम लगा देते हैं टेप वगैरह जिससे यार हमारी पहचान रहेगी ये हमारे तार जो है 220 AC वोल्ट में चलने वाले हैं। तो ये देखिए इस पर मैंने फिलहाल यहाँ पर अच्छी तरह से टेप को लगा देता हूँ जिससे हमारी पहचान रहेगी। ये देखिए मैंने इस वाले वायर पर यहाँ पर टेप लगा दिया और ये वाली वायर जो सादा, तो इनसे क्या पहचान है, ये वाली जो हमारी वायर है ये लगेगी हमारे सोलर पैनल के अंदर और ये वाली वायर है ये लगेगी हमारे बल्ब के अंदर जो जलेगा हमारा 220 वोल्ट AC सप्लाई से और ये है हमारा 12 वोल्ट DC सप्लाई। तो चलिए हमारा सारा प्रोजेक्ट बन के हम इसको डब्बे के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके का कनेक्शन आप अच्छी तरीके से एक बार देख लो, मैं आपको इसकी वायरिंग अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ये दिखाई हो कि इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर LED को इसके अंदर लगा देता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए LED है हमारे यहाँ पर हॉल के अंदर। तो चलिए इसका ढक्कन लगा के इसको पैक कर देते हैं इस तरीके अच्छी तरीके से। ये देखिए अब ये हमारा जुगाड़ जो पूरी तरीके से वाटरप्रूफ हो चुका है। ये देखिए हमारा जो एकदम से जुगाड़ बनकर रेडी हो चुका है, ये हो गया पूरी तरीके से वाटरप्रूफ जिससे क्या होगा पानी वगैरह कोई ऐसा ना होगा। चलिए बनकर रेडी हो चुका, तो आप इसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ स्टेप बाय स्टेप, ये हमने सोलर पैनल को यहाँ पे लगाया था और उसकी जो सीधे वायरिंग थी क्या कर रखा था, मैंने सीधे वायरिंग को यहाँ से आके और सीधे ये देखिए ये जो हमारी वायर गई यहाँ पे और सीधे ये वाली बार आके यहाँ पे हमने जो बॉक्स आपके सामने बनाया था उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे लगा दिया अच्छी तरीके से। और ये है हमारी वो लाइट जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे रोज जलाने के लिए आते थे जिससे यार हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता था क्योंकि हमें इसको रोज आना जाना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये देखिए यहाँ पे सीधे मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारा पूरे का पूरा बॉक्स तैयार कर दिया। और ये है हमारी मेन नीचे यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन दे दिया है, तो ये फाइनली से कनेक्शन थे सिंपली जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे, बस 2 तारों खेलो। ये हमारा जो साथ में हमने पैनल को यहाँ पे लगा रखा था, तो चलिए ये जुगाड़ था, अब इसकी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ और आप देखना हमारा जो प्रोजेक्ट है कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। क्योंकि यार मैं तो परेशान था साथ में, मैंने सोचा क्यों आप लोग परेशान ना हो, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाकर दिखा दी है, देखिए कितना अच्छी तरीके से काम करता है। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपने देख लिया वीडियो मैंने इसको किस तरीके से बनाया था और उसकी वायरिंग को भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह की काफ़ी को लिया है, इससे मैं इस रात का जो काम है वो काफ़ी करने वाली है हमारी। तो सिंपली ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसी हमारी रात होगी तो रात देखिए इस तरह की, जैसी हमारी रात हुई और रात होने के बाद हमारा जो पैनल पे थी ये सारी जो लाइट है वो आना बंद हो जाएगी जिससे क्या होगा हमारा बल्ब जलने लगेगा। ये देखिए जैसे हमारा दिन निकलेगा, कितना भी अगर कम दिन निकलता है, अगर बिल्कुल नॉर्मल तरीके धूप होती है या सिर्फ उजाला होता है, जब भी ये जो हमारा बल्ब है ये बंद हो जाएगा। और अगर हल्का सा भी यहाँ पे देखिए जैसी रात होती है तो ये हमारा बल्ब जो है क्या काम करना चालू कर देगा जिससे क्या होगा यार हमारा आना जाना बच जाएगा और इसमें हमारे पैर में दर्द नहीं हुआ। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि आप लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना कितना ज़्यादा मेहनत का काम होता है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए लेके आए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नोटो पर, तब तक के जय हिंद जय भारत।